मैं एक ऐसे कवि को आवाज देने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम तो कमाया मगर उसने कभी गुरूर का परचम नहीं बांधा, उसने कभी ऊंचाइयों के शिखर पे चढ़ के ये नहीं समझा कि ये हमारी ऊंचाई है। उसने हमेशा जमीन को अपने पैरों के नीचे, और कहते हैं उनके पैरों के तले जमीन नहीं, उनके पैरों के तले जमीन नहीं, और ताज्जुब ये कि फिर भी उन्हें यकीन नहीं। ऐसे उन्होंने माहौल नहीं बांधे। इन कवियों में से उत्तराखंड के उस कवि का नाम आता है जिसने तमाम चैनलों से लेकर के बड़े बड़े मंचों का सफर किया। ज्यादा तालियां हो जाए हमारे बीच में मोहन मंत्री जी भाई। बहुत बहुत आभार बिहारी लाल अंबर जी। हेलो, आप बहुत ही थक चुके हैं मुझे मालूम है, लेकिन जो ये आगे की पंक्ति में ये जो बैठे हुए आदरणीय पूरा कवि सम्मेलन आप लोगों ने सम्मान रखा, मैं आपका सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे बहुत हम लोग मुशारे पढ़ते हैं, यहाँ जितने भी लोग तशरीफ रखते हैं सब बहुत मुशारे पढ़ते हैं, हर रोज मुशारे पढ़ते हैं, लेकिन जो आगे की पंक्ति में जो बैठे आप लोग हैं हर एक मुशारे में हर एक कवि सम्मेलन में इतना अच्छा सुन नहीं पाते ना, तो इस कवि सम्मेलन की सफलता की जिम्मेदारी आप लोगों था क्या कि मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं इधर फैजाबाद में कल कवि सम्मेलन में था तो आदरणीय अजय सिंह जी का मेरे पास फोन आया, बोले मोहन भाई सुना है कि फैजाबाद में हो भाई साहब ये बीच में बाबू जी आपके लिए सुना रहा हूँ, आज बस आप ही को सुना रहा हूँ, किसको सुनाऊंगा है ना, सुन रहा सुन रहा। तो आदरणीय अजय सिंह जी का मेरे पास फोन आया, बोले मोहन भाई सुना है कि फैजाबाद में हो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पे सुल्तानपुर में कवि सम्मेलन है, आप आ रहे हो कि आपको उठवाऊं? मैंने कहा भाई साहब मैं आ जाऊंगा, उठवाने की क्या आवश्यकता है? तो बोले ठीक है जी फिर आ जाओ। बोले मोहन भाई बताओ पेमेंट क्या लोगे? अरे मैंने कहा साहब आपने इतनी बात की थी कोई दिक्कत नहीं, बोले नहीं पेमेंट तो आपको बताना पड़ेगा, क्या पेमेंट लोगे? तो मैंने भी साहब पूछ लिया कौन कौन आए हुए, तो उन्होंने सबका नाम बताया और आदरणीय बिहारी लाल अंबर जी का नाम भी बताया। मैंने कहा साहब बिहारी लाल अंबर तो बड़े कवि हैं, तो मैंने दांव मारा साहब, मैंने कहा कि अजय सिंह जी एक काम कीजिएगा आप मुझे बिहारी लाल अंबर से 500 रुपए कम दे देना। तो अजय सिंह जी बोले मोहन भाई फिर तो आ जाओ उनका 500 ही है। लोग बचे हुए हैं सब, ये बस ये क्रीम बची हुई कविता को सुनने वाले लोग बचे, सुनेगा परिवार है कोई बात नहीं। परिवार की परिभाषा सुनिएगा है ना, सुनिए बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। बहुत आभार। ये एक परिवार की परिभाषा आदरणीय अजय सिंह जी को समर्पित करता हूँ, सब सुनिएगा यहाँ से कविता हो रही है, कविता सुना रहा हूँ। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता, बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से पढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया भैया, वाह वाह। अच्छा एक तालियां हो जाए मोहन भाई के लिए, वाह शानदार। बहुत आभार यार, कौन कहता है कि कभी सम्मेलन सफल नहीं है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा मोहन भैया, सुनिएगा साहब। अरे तुतला कर अपने होठों पर मालिक, यहाँ कविता को सुनने वाले लोग हैं इसलिए कविता सुना रहा हूँ। तुतला कर अपने होठों से मालिक, दादा जानते हैं सिंह मंच वाले लोग जानते हैं मैं कविता कम कवि सम्मेलन ज्यादा सुनाता हूँ है ना, सुनेगा। अरे तुतला कर अपने होठों पर मालिखा, तुतला कर अपने होठों पर मालिखा, तुतला कर अपने होठों पर मालिखा, हर बच्चे ने पहला अक्षर मालिखा,
हर बच्चे ने पहला अक्षर माँ लिखा। बहुत अच्छा सल्यूट करना, वो छोटा सा बच्चा सुन रहा है यार, मैं सल्यूट करता हूँ तुझे भी मेरे भाई। जी, क्या जब जिस स्कूल के बच्चे इतने इतने समझदार हूँ साहब, वो जो बड़े बाप की बड़ी औलादे होती है ना, दिल्ली में गीत सुनाऊंगा मैं आपको उनके लिए, उनको अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराना चाहिए। संस्कार संस्कार किसे कहते हैं, है ना। इसलिए एक बार अजय सिंह जी के लिए बस तालियां बजा। सुनना एकता, सुनना सुनना आनंद आकर सुन। अरे तुतला कर अपने होठों पर माँ लिखा, हर बच्चे ने पहला अक्षर माँ लिखा, हर बच्चे ने पहला अक्षर माँ लिखा, तैर गई हर एक दुआ आसानी से। है बहुत अच्छे मोहन भाई, बहुत अच्छे। तैर गई हर एक दुआ आसानी से। राम के नाम का पत्थर तैरा करता था साहब, लेकिन माँ की तुलना देखना। अरे तैर गई हर एक दुआ आसानी से, तैर गई हर एक दुआ आसानी से, है तैर गई हर एक दुआ आसानी से, जब मैंने हर एक दुआ पर माँ लिखा, जब मैंने हर एक दुआ पर माँ लिखा, जब मैंने हर एक दुआ पर माँ लिखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब मैंने हर एक दुआ पर माँ लिखा, कल कल ख्वाबों में देखी जन्नत तो देखा। सब क्या है जन्नत, ये शेर आपने बहुत सुने होंगे जन्नत के हवाले से। एक शेर मेरा सुन लो, कदर जानो सुनना। कल ख्वाबों में देखी जन्नत तो देखा, कल ख्वाबों में देखी जन्नत तो देखा, कल ख्वाबों में देखी जन्नत तो देखा, सातों आकाशों के ऊपर माँ लिखा, सातों आकाशों के ऊपर माँ लिखा। मोहन भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मेरे शहर का दादा आदरणीय, मेरे शहर का एक बहुत अमीर आदमी, बहुत ही अमीर आदमी, लेकिन अनाथ, लेकिन अनाथ। आखिरी वक्त में उसने क्या लिखा साहब, एक अनाथ अमीर की ये चार पंक्ति उसने क्या लिखा सुनेगा। एक अनाथ अमीर ने अंतिम सांसों से, अरे वाह, एक अनाथ अमीर ने अंतिम सांसों से, एक अनाथ अमीर ने अंतिम सांसों से, एक अनाथ अमीर ने अंतिम सांसों से, जाते जाते दीवारों पर माला। कमाल हो गया, एक माला भेंट करिए मोहन भाई को, माला से आप लाद दीजिए, माला माल कर दीजिए। ये पंक्तियां दोबारा सुनी जाएंगी मोहन भाई, एक कीमती पंक्तियां हैं, सोने से चमकते हुए शब्द और चांदी से देते हुए अर्थ, नहीं जाने देंगे व्यर्थ, इसको दोबारा सुनाएं। मैं पढ़ता हूँ, मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ, सुनेगा यह पंक्तियां दोबारा दोहरा दे। मेरा मन बहुत जल्दी उस गीत तक पहुँचने का, स्वागत सुनेगा। अरे एक अनाथ अमीर ने अंतिम सांसों से, जाते जाते दीवारों पर माँ लिखा, जाते जाते दीवारों पर माँ लिखा। ये बिहारी लाल अंबर जो है ना, ये बिहारी लाल अंबर जी जो है, ये बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है कि गाया ना गाया ना नहीं गाएंगे, आपकी कहा मान लेंगे आज। जाते जाते दीवारों पर माँ, बहुत बहुत आभार साहब। एक गीत आपको सुना देता हूँ, है ना। अधिकतर लोगों के जीवन में एक बार विदेश में बसने का अवसर आता है साहब, ये यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान बैठा हूँ, यकीन मानिए। मैं ना बीजेपी का आदमी हूँ, मैं ना कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं ना सपा का आदमी हूँ, मैं ना बसपा का आदमी हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी नहीं हूँ, है ना। जब आप शादी करना तो अपना बच्चा यही पढ़ाना, समझे कि नहीं, है ना। लेकिन क्या चक्कर है, लेकिन क्या चक्कर, ये मुझे लग रहा है बिहारी लाल अंबर मुझे कवित्री समझ रहा है। मैं मतलब मैं खूबसूरत हूँ लेकिन कवित्री नहीं हूँ, है ना। तो सुनिए सब, एक बार अधिकतर लोगों के जीवन में दादा एक बार विदेश में जाने का अवसर आता है साहब। उन अधिकतर लोगों में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं, लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी लोग। ठेठ हिंदुस्तानी लोगों के बीच में एक ठेठ हिंदुस्तानी गीत सुना रहा हूँ, कहीं नहीं सुनाता हूँ, यहाँ सुना रहा हूँ साहब की यहाँ पे मेरे कविता सुनाने का मन है। तो कुछ होते हैं साहब ठेठ हिंदुस्तानी लोग, उनके पास जब ये अवसर आता है साहब तो क्या जवाब देते हैं, सुनेगा। जल्दी जल्दी साहब चाय ले लीजिए, फिर बाबा करिएगा। सुनिए सुनिए,
उनके पास उनके पास जब विदेश में बसने का अवसर आता है साहब तो वो क्या करते हैं? निवेदन कर दूं, गीत निवेदन कर दूं, इजाजत है सुनो भाई, आपका गीत दमदार आने वाला, कवित्रियां अपना जगह बदल रही। सुनेगा साहब, मैं ये गीत सुना रहा हूँ साहब, मेरे पास जब विदेश में जाने का अवसर आया तो मैंने क्या कहा? सुनेगा सुनेगा नहीं 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 दादा दादा, कवित्री से ज्यादा मैं खूबसूरत हूँ, कवित्र से ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। नहीं नहीं, जब मेरे पास ऑफर आया विदेश में रहने का तो मैंने क्या कहा? आपको क्या कहना चाहिए? सुनिएगा, विदेश में बसने का मेरा मानना ये है कि आप विदेश जाइए, वहाँ पर आप नौकरी कीजिए, पैसा कमाइए, वहाँ से पैसा लेके आइए, हिंदुस्तान में लगाइए, मगर विदेश में बसिए मत। यहाँ शुरू करता हूँ, सुनेगा ये संस्कार अपने अपने बच्चों को दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। बहुत अच्छे, मुझको नहीं जाना 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 जाना। अच्छा एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं साहब, हम कवियों के पास भी वाद्य यंत्र नहीं होता साहब, आपकी तालियां ही हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती है, आपकी तालियों से इस बात का आकलन नहीं होता कि हमारी कविता अच्छी या बुरी है, बस जब आप तालियां बजा देते हैं तो हम कवि लोग सांस ले लेते हैं, हम कवि लोग को भी सांस लेनी होती है। जब मैं ये कहूँ ना मुझको नहीं जाना जाना जाना, तब आप तालियां बजा देना, पूरा गीत सुनेगा, कहीं ऐसा ना हो मैं ये कहूँ मुझको नहीं जाना जाना, आप ताली ना बजाओ मैं चला जाऊँ, कभी की हत्या का पाप मत दीजिए, ठीक है ना? तो यही शुरू करते हैं, मुझको नहीं जाना 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 जाना, बस आपकी मैंने समस्या हल कर दी, आपको बस इतने में ही आपको ताली बजानी, ठीक है? विदेश में बसने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं साहब, उनमें से प्रमुख कारण होता है साहब ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड समझते हैं आप सभी लोग? एक बार बताइए कौन कौन ग्रीन कार्ड समझते हैं, ग्रीन कार्ड किसे कहते हैं? कोई नहीं समझता है ना, तो यहाँ से विदेश गए नहीं, इसका मतलब जो नहीं समझते मैं उनको बता दूं साहब कि जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको उस देश में रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड, है ना? अच्छा अधिकतर विदेशी महिलाएं इस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए हिंदुस्तान में ही आती है, तो इससे सिद्ध होता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले, ठेठ आधार कार्ड वाले, जब वो विदेशी में उस ठेठ आधार कार्ड वाले से टकराती तब क्या होता? सुनेगा, अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको अगर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको अगर जुड़ना हो आइए, आजा 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 आजा, पहना दू साड़ी गोटेदार, तो हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। मुझको नहीं जाना 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 जाना। हाँ जी, मैं किसी कवित्री से कम खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे देखना, जब तक गीत पढ़ रहा हूँ मुझे देखना सर, है ना? जो कवित्री माइक पे आएगी तो कवित्री को सुनना साहब। दूसरा लालच क्या होता है विदेश में जाने का? जब हमारे पास पैसों की कमी होती है तो हम विदेश की तरफ भागते हैं। आदरणीय दादा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनेगा। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में दो चार खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में दो चार खाते चलते हैं, वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। तालियां हो जाए जोरदार क्यों कवि की हत्या का पाप ले रहे हैं, है ना? अगला बंद निवेदन करता हूँ साहब, अगली वजह क्या होती है विदेश में जाने की? गीत अच्छा सुनेंगे ना तो बहुत अच्छा गीत आपको सुनाऊंगा, मना नहीं सुनाऊंगा, है ना? बहुत दूर से सफर तय करके आया हूँ मैं, है ना? ये बहुत अच्छी महफिल मुझे मिली है कविता की, तो सुना रहा हूँ। अगली साहब, अगला कारण क्या होता है विदेश में बसने का? जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए विदेश जाते हैं, जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब,
पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया साहब, मेरा भी अकाउंट दादा उसी बैंक में था। अब यहाँ से इसका बंद सुनेगा, अपनी तालियां ये हिंदुस्तान की तालियां लंदन तक पहुंचाना सुनेगा। अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, प्यारे गंगा नहाएंगे, श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना, बहुत बढ़िया भैया वाह, बहुत बहुत आभार साहब। अंतिम साहब वजह सुन लीजिएगा साहब, अंतिम वजह सुन लीजिएगा, ये हिंदुस्तान क्या है, ये स्कूल है सब, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग पढ़ते हैं। सैल्यूट करता हूँ अजय सिंह जी को, इसलिए सैल्यूट करता हूँ साहब, ऐसे स्कूल पे हाई हाई जितने स्कूल में दिल्ली में, दिल्ली से आया हूँ, वो सब स्कूल निछावर है साहब, उन लोगों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ संस्कार दिए जाते हैं। एक बंदे निवेदन करता हूँ, सुनेगा आपको अच्छा लगेगा, सुनिए। अरे बाद में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई है, बहुत बाद में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई है, देश में रहने वाला पहले अपना भाई है, देश में रहने वाला पहले अपना भाई है, कभी ईद कभी होली का त्योहार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। गीत का साहब आखिरी पद निवेदन करता हूँ, आखिरी पद निवेदन करता हूँ, जो आगे की पंक्ति में आप सब लोग बैठे हो हिंदुस्तानी हो, आपके चरणों में ये पद निवेदन करता हूँ। इस बन में मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है साहब, अगर वही प्रार्थना आप लोगों ने भी की हो तभी तालियां बजाएगा, वरना तालियां मत बजाएगा। निवेदन करता हूँ मेरी इस बन में दादा ईश्वर से प्रार्थना है, सुनिए चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनेगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, मेरा 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 ध्वज होती रंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना भारत माता की, बहुत बहुत जिंदाबाद, तालियां जोरदार हो जाए। बहुत अच्छे मोहन भाई, मोहन भाई से निवेदन है, मोहन भाई से निवेदन है।